हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माई अनदर रेसिपी। जैसे कि आम का सीजन चल रहा है और आम सबको पसंद है, आम के बहुत सारी चीज़ें भी बनते हैं, तो आप एक इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैंगो मालपुआ। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी गेहूं का आटा और एक कटोरी दूध और एक बॉल ले लेंगे। आटा को उसमें हम डाल देंगे और फिर हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे थोड़ी थोड़ी दूध डालते हुए। ध्यान रखिएगा कि आपके ये आटा और दूध के मिक्सर में कोई लम्स ना हो, और हल्के हाथ से थोड़ी थोड़ी दूध देते हुए आप मिक्स कर लीजिएगा। एक साथ ज़्यादा दूध मत डालिए, नहीं तो फिर बीच में लम्स पड़ जाएंगे। ये अभी भी बहुत गाढ़ा है, तो फिर इसे हम और थोड़ा दूध डाल देते हैं, तो टोटल हमारे एक कटोरी दूध लग गए। अब देखिए हमारे ये अच्छे से बैटर बनकर रेडी हुई, इसे हम आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम एक आम लेंगे, और आप कोई भी आम ले सकते हैं, और इसके छिलके हम उतार लेंगे। अब पके वाला ही आम लीजिएगा जो अच्छे से पक गए होंगे, और इसके सारे छिलके उतार लेंगे, और फिर इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में छोटे छोटे पीसेस कर कर डाल देंगे। गर्मियों को मौसम आते ही बाज़ारों में आम आ जाते हैं, आम भला किसको पसंद नहीं। कटे हुए मैंगो, नारियल और शहद, चीनी और इलायची, इतने ही इंग्रेडिएंट से बनाएंगे मालपुआ। चीनी को मिक्सी में डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में, ताकि अच्छे से इसी के साथ पिस जाए। मैंने चीनी लिया है 3 चम्मच, और फिर हम ये डालेंगे इलायची, इसी में तोड़ कर डाल देंगे। अगर आपके पास पाउडर है इलायची का तो वो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसी में तोड़ कर डाल दीजिएगा, ये भी अच्छे से पिस जाए इसी में। अब इसे हम पीस लेते हैं। अब देखिए हमारा ये पीस कर रेडी हो गया है। अब हम जो आधा घंटा के लिए भिगोए हुए थे आटा और दूध के बैटर को, तो उसको देखिए हमारे कितने थिक भी हो गया है ये। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून शहद, और फिर इसमें ये मैंगो पल्प्स डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही इसे मिक्स कीजिएगा मैंगो पल्प्स को, इसको थोड़ा सा डालकर फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आम भला किसको पसंद नहीं होता, इसे महक से ही हम आम खाने को दिल ललचता है। आम से कई लाजवाब डिशेस भी बन जाते हैं, आम के हलवा, मैंगो पापड़, मैंगो शेक, मैंगो स्मूदी, मैंगो लस्सी और भी कुछ। इसलिए शायद आम को फलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि आप भी मैंगो मालपुआ खाए हैं। अगर नहीं खाए हैं तो इस बार मैंगो मालपुआ ट्राई कर सकते हैं। हमने ये नारियल डाल दिया है, और नारियल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कच्चे नारियल ही अच्छे लगते हैं डालने पर। और हमारे ये तवा भी गर्म हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ही घी। हमें इसे डीप फ्राई कर मालपुआ नहीं बनाना है, हमें सेलो फ्राई में ही मालपुआ बनाना है, और बहुत टेस्टी भी बनता है। अब हम बैटर को थोड़ा थोड़े, जैसे मालपुआ होते हैं ना छोटे छोटे राउंड राउंड, उसी तरह हमें इसे भी बनाना है। अच्छे से फैला लेना है और धीमी आंच में पकाना है। देखिए हमारा एक साइड हो चुका है, फिर इसे हम दूसरे साइड पलट लेते हैं। थोड़े से पलटने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें मैंगो का वो पल्प है ना, तो थोड़ी थिक नहीं हुए होते हैं ना, तो इसलिए पलटने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप आराम से ही पलटिएगा। अब देखिए एक साइड हो चुका है, फिर एक साइड और अच्छे से पका लेंगे, और थोड़े से हम इसमें घी डालकर इसी तरह आपको सारे मालपुए पकाना है धीमी आंच में। एक साइड इसे कर लेते हैं तवा में, फिर दूसरी तरफ और एक बैटर हम डाल लेते हैं मालपुआ के, और इसे भी इसी तरह फैला लेंगे, और इसे भी धीमी आंच में हमें पकाना है। दोनों तरफ हमारे ये मालपुआ हो रहे हैं, और फिर इसे भी देखिए ये भी एक साइड अब हो चुका है। अब देखिए ये हमारे मालपुए कैसे फूल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसे आप जब चाहें आसानी से बना सकते हैं, और परिवार को सब खिला सकते हैं। और देखिए हमारा ये हो चुका है मालपुआ, तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा है ना, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। और ये दूसरा भी हो गया है एक साइड, तो इसको हम पलट लेते हैं। थोड़ी सी पलटने में आप लोग को दिक्कत होगी, तो आप आराम से हल्के हाथ से पलटिएगा इसे। एक साइड देखिए हमारा ये पलट चुका है, और हमारा ये मालपुआ के चारों तरफ हम फिर थोड़े थोड़े घी लगा लेंगे। अब देखिए हमारा ये मालपुआ भी बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह आपको सारे मालपुए बना लेना है।
फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे। मैंने नारियल और बादाम लिया है और कुछ गुलाब के पंखुड़ी लिए हैं, इसी से हम गार्निशिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फिर मिलते हैं हम दूसरी रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।